प्यारे बच्चों आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं और बेटा ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर ट्वेंटी थ्री जो आज आपको सोलह दिसंबर दो हज़ार बीस को करनी है थिंक ऑफ द सिचुएशन वैन यू फील द नीड फॉर राइटिंग अ लेटर टू योर प्रिंसिपल बेटा वो कब कब सिचुएशन आप एक बार सोचिए कि जब आपको अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखना होता है तो हम कब कब लिखते हैं एप्लीकेशन फॉर सिक लीव या तो हमें कोई बीमारी के लिए छुट्टी लेनी है रिक्वेस्ट फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स मैरिज आपको कोई स्कॉलरशिप चाहिए कि आपको स्कॉलरशिप दी जाए या आपके सिस्टर के मैरिज है ब्रदर के मैरिज है रिक्वेस्ट फॉर सम फैसिलिटीज़ जो आपको चाहिए या फिर रिमिशन ऑफ फ़ाइन यानी कि कोई आपकी अमाउंट है कोई फ़ाइन आपको देना है तो उसको वेव ऑफ़ कराना है कि वो ना देना पड़े या उसकी अमाउंट कम कर दी जाए या एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड तो ग्रैटिट्यूड क्या होता है आभार प्रकट करना देखिए कितनी सुंदर वर्कशीट है और कैसे ये बच्ची सोच रही है कि अच्छा ये सब सिचुएशंस हैं जब हमें एक एप्लीकेशन एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है अपने प्रिंसिपल को और ये देखिए थ्रू अ पिक्चर ये आपको डिपिक करके भी दिखाया गया है आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज़ आप लोग कर ही रहे हैं तो देखिए कैसे आर्ट को इंटीग्रेट किया गया आपकी राइटिंग स्किल के साथ इंग्लिश की और उसको इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव बनाया गया है किस तरह से ये जो सिचुएशंस है उसको भी प्रेजेंट किया गया है इस डायग्राम में और देखिए इस शेप को देखिए कौन सी शेप है ये हेक्सागन है इसकी सिक्स साइड्स हैं तो मैथ्स भी इंक्लूड होता है आर्ट भी इंक्लूड होता है और हमारी सारी जो लर्निंग है वो ट्रांसडिसिप्लिनरी है जुड़ी हुई हैं सभी सब्जेक्ट्स एक दूसरे से तो देखिए इन द प्रीवियस वर्कशीट वी लर्न हाउ टू राइट अ लेटर फॉर लीव हमने पहले सीखा था कि कैसे हमें एक लेटर लिखना है लीव के लिए जो सिस्टर के मैरिज के लिए था देयर आर सो मेनी अदर सिचुएशंस इन योर लाइफ व्हेन यू कैन नॉट अटेंड योर स्कूल बिकॉज यू हैव सम अर्जेंट वर्क एट होम इन द वर्कशीट वी विल लर्न हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम बहुत सी ऐसी सिचुएशन होती हैं जब घर पर बहुत ज़रूरी काम होता है और आप स्कूल अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आज वही सिचुएशन पे देखते हैं कि कैसे हम अपने स्कूल में इन्फॉर्म कर सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू द प्रिंसिपल यूजिंग क्लूज इन द गिवन बॉक्स तो ये क्लूज़ हैं फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में आपको राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम हर हर फॉर वन डे लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट योर होम आपको एक दिन की छुट्टी चाहिए केवल और क्यों चाहिए क्योंकि एक बहुत ज़रूरी काम है घर पे जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते आप स्कूल अटेंड नहीं कर सकते आज इस वजह से आप छुट्टी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये क्लूज दिए गए हैं ग्रांट स्टूडेंट होम अर्जेंट टुडे अटेंड लीव ये आप एक फॉर्मेट जो दिया गया है फिरंदा ब्लैंक्स के फॉर्म में जब आप इसमें ये डालेंगे तो आपका जो लेटर है जो आपका फॉर्मल लेटर है एप्लीकेशन है वो कम्प्लीट हो जाएगी तो चलिए देखते हैं द प्रिंसिपल फिर उसके बाद यहाँ आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे जैसे मैंने डाल दिया जी जी ट्रिपल एस नंबर टू मॉडल टाउन डेली देन आप डेट डालेंगे डेट के बाद सिक्सटीन दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी यहाँ पे बेटा जो जगह है वो दिसंबर पूरा नहीं लिखा जा रहा था ये डेट छिपता था इसलिए मैंने डी ई सी लिखा है आप चाहें तो दिसंबर पूरा भी लिख सकते हैं फिर देखिए सब्जेक्ट लीव फॉर एन अर्जेंट वर्क यहाँ लीव फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क भी लिख सकते हैं ली फॉर अर्जेंट वर्क भी लिख सकते हैं सर और मैडम जो सैल्यूटेशन होता है आप सबसे पहले रिस्पेक्ट करते हो किसी से मिलते हो तो सबसे पहले नमस्ते करते हो ना तो उसी तरह से यहाँ सर और मैडम आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेवेंथ ए तो यहाँ पे आपने क्या फिल किया स्टूडेंट क्लास फिल की ऑफ सेवन्थ है आई एम अ स्टूडेंट ऑफ सेवंथ है ऑफ योर स्कूल मैं आपके स्कूल के सेवन ए क्लास का स्टूडेंट हूँ आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट होम मेरे को घर पे बहुत जरूरी काम है आई देखिए यहाँ ये यह आई है जो आपको शायद पता भी ना चल रहा हो आय कैन नॉट अटेंड द स्कूल टुडे मैं आज स्कूल अटेंड नहीं कर सकता या नहीं कर सकती काइंडली ग्रांड मी लीव फॉर टुडे मुझे केवल आज की प्लीज छुट्टी दी जाए कृपया करके मुझे आज की छुट्टी दी जाए सचैस फिर आप यहाँ पे डेट लिख देंगे कि कौन सा दिन की बात कर रहे हैं आप हम क्योंकि सिक्सटीन दिसंबर को कर रहे हैं तो हमने सिक्सटीन दिसंबर की ही छुट्टी मांगी है थैंक यू योर्स ओबीडेंटली बेटा योर्स ओबीडेंटली के साथ साथ योर्स फेथफुली भी यूज़ होता है तो जो आपको ठीक लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं देन योर नेम योर क्लास और अगर आप चाहें तो आप अपना यहाँ पर रोल नंबर भी लिख सकते हैं आप इसके नीचे चाहें तो रोल नंबर भी लिख सकते हैं उसके बाद देखिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हमें हमेशा याद रखना है कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फ़ीट और टू यार्ड्स हमें फ़िजिकल डिस्टेंस ऑफ सिक्स फीट और टू यार्ड्स मेंटेन करना है कोविड नाइन्टीन को स्प्रेड होने से रोकना है कोरोना हारेगा इंडिया जीतेगा और हमें गो करोना गो हम तभी कर पाएंगे जब हम जो गाइडलाइंस हैं कि हमें छः फीट या दो गज़ की दूरी का ध्यान रखना है हमें समय समय पर अपने हाथों को साबुन व पानी से धोना है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है और हमेशा मास्क लगा के रखना है बिना किसी जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना है अपने जानने वाले सबको जागरूक करना है खुद भी जागरूक रहना है और इस गाइडलाइन को फॉलो करके इसी तरह से अच्छे से पढ़ते रहिए कीप लर्निंग एंड एन्जॉयिंग स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी और बेटा बी इन टच विद दस आप सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय पर अपना काम कर सकें थैंक यू हैव अ नाइस डे